खबर गाजीपुर से है, जहां का चर्चित उसरी कांड जिसमें मुख्तार अंसारी पर हमला हुआ था, जिसमें एक सिपाही सहित दो लोगों की मौत भी हो गई थी। इसी मामले में गाजीपुर न्यायालय में माफिया त्रिभुवन सिंह की पेशी हुई। पेशी तो ब्रजेश सिंह की भी होनी थी, लेकिन ब्रजेश सिंह की तबीयत ठीक नहीं होने के कारण पेशी नहीं हो सकी। वहीं कड़ी सुरक्षा में त्रिभुवन सिंह को कोर्ट में पेश किया गया और इस मामले में अगली तारीख 26 जून तय की गई है। ब्रजेश सिंह अस्वस्थ है, इसलिए वो नहीं आ पाए और त्रिभुवन सिंह आए थे, उनके में 21 तारीख लग गई गवाही के लिए। तो चूँकि अभी त्रिभुवन सिंह के जो वकील थे बाबू रामाधार राय, उनकी डेथ हो गई, तो एक नया वकील अपॉइंट करने के लिए मौका लिया गया है कि एक आदमी आएगा जो करेगा, तो गिरा वगैरह करेगा, इसलिए मौका लिया गया है। अब 21 तारीख इसमें लगी है। किस मामले में पेशी होनी? ये उसड़ी में कांड हुआ था, मुख्तार अंसारी पे गोली चली थी, उसमें एक दो लोग मरे थे, उसमें एक सिपाही मरा था और एक पब्लिक आदमी मरा था, तो उसी में ये अगली तिथि कब पड़ेगी? अगली तिथि 21/6/22 को। इस मामले में मुख्तार अंसारी को भी पेश हो सकता है? हाँ, वादी मुकदमा वो अफजाल अंसारी हैं, मुख्तार अंसारी पे गोली चली थी। अब आप जानिए उसरी कांड के बारे में। मुख्तार अंसारी 15 जुलाई 2001 को अपने घर से मऊ जा रहे थे। उसरी चट्टी पर खड़े ट्रक में सवार बदमाशों ने मुख्तार के काफिले पर गोलीबारी शुरू कर दी। मुख्तार के गनर ने बचाव में फायरिंग शुरू की। गोलीबारी में मुख्तार का एक गनर मारा गया, वहीं एक हमलावर गोली लगने से घायल हुआ था। मामले में मुख्तार अंसारी ने ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को नामजद करते हुए अन्य 15 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र प्रेषित किया, जिसमें से 2 आरोपी की विचारण के दौरान ही मौत हो गई थी। गुरुवार को अदालत में रमेश राम सहित 3 गवाह मौजूद रहे। उन्होंने गवाही दर्ज करने और सुरक्षा की गुहार लगाते हुए अर्जी दी। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा जेल में पिता की सुरक्षा और अन्य सुविधाओं की मांग करते हुए अर्जी दी, जिस पर न्यायालय ने आदेश सुरक्षित करते हुए अगली तारीख तय कर दी है। लेकिन